यदि मुरली सुनते समय, बाबा के टाइम पर भी ये चीज लॉ था कि अगर मुरली सुनते हुए मान लीजिए किसी को नींद आ रही है या उबासी भी आ रही है ना, सिर्फ एक उबासी भी आती है तो भी बाबा तुरंत कहते थे इस बच्चे को उठाओ। क्यों उठाओ? ये सारे वातावरण में, वायुमंडल में नींद के या उबासी के वाइब्रेशन फैला देगा। तो मतलब बाबा मिसाल देते थे, बच्चे ये कोई साधारण बूंद भगवान नहीं दे रहे हैं। तो बाबा भी प्यार से दादी को मुन्नी मम्मा कहते थे, माना छोटी मम्मा। उम्र में छोटी थी लेकिन पालना देने में वो माँ थी। ओम शांति। हम सुन रहे हैं अद्भुत, अनमोल, अनसुनी कहानी दादी प्रकाश मणि जी के जीवन परिचय से। हम सभी को प्रेरणा देने वाली बातें, जैसा कि दादी ने अपने मुखारविंद से ही अपने विषय में बाल्यकाल से लेकर किस प्रकार ब्रह्मा बाप के साथ, मम्मा के साथ, बड़ी दीदी के साथ जो भिन्न भिन्न प्रकार के आध्यात्मिक मार्ग पर अनुभव हुए, दीदी ने हमारे साथ साझा किए। दादी जानकी जी भी जो मुख्य प्रशासिका रही दादी प्रकाशमणि जी के बाद, वह भी अपने अनुभव से बता रहे हैं कि दादी जी का स्वभाव, दादी जी से उनको क्या प्रेरणा मिलती थी। दादी कहते, प्रकाशमणि दादी जी जैसा कि प्रकाश का विस्तार विशाल रहता है, ऐसी दादी जी भी बहुत ही विशाल दिल, रहम दिल और स्नेह की सागर थी। सदा जैसे सतगुरु ने कहा है, इतना महत्व देकर एक एक बात को कि सतगुरु की ये श्रीमत है तो बस सिर माथे रखनी चाहिए। दादी जी हर बात में संपन्न और संपूर्ण बनती चली गई, क्योंकि उन्होंने बात को महत्वता दी कि ये किसके शब्द हैं, कौन कह रहे हैं। जैसे प्यारे बाबा ने मातेश्वरी जगत अम्बा जी पर, यानी ममा के ऊपर जब सारा कार्यभार रखा था, अर्थात यज्ञ की जिम्मेवारी का कलश रखा था, तो ममा को भी पालना के निमित्त बनाया। और जब बाबा अव्यक्त हुए तो जैसा हम पहले भी सुन चुके हैं, दीदी मनमोहिनी जी और दादी प्रकाशमणि जी, इन दोनों को निमित्त बनाया। जब दादी भी अव्यक्त हो गई तो जरूर है दीदी और दादी का जो पार्ट था साथ साथ, वो आगे आगे और विशालता से चलता रहा। दीदी मनमोहिनी जी ने तो अव्यक्त होने के उपरांत सेवाओं का विस्तार इतना हो चुका था, जो दादी ने फिर सारा पार्ट दोनों का एक साथ बजाया। बाबा को दीदी ने बहुत मीठा नाम दिया था, कुमारिका। ये नाम बाबा का बहुत प्यारा दिया हुआ नाम था, क्योंकि कुमारों में जोश भरना, इतने युवाओं को उस युवा अवस्था में गलत संग में जाने से बचने के लिए बिजी करना, ये सारे नए नए आइडियाज जो एक्टिविटीज के थ्रू दादी तैयार करती थी और देती थी, इसलिए उनकी उस यंगनेस को देखकर बाबा कहते थे ये कुमारिका है। और सच में दादी जगत जननी जिसको कहें, दुख हरनी कहें, ऐसी अवस्था दादी की बन गई थी, जो बड़े बड़े धर्म स्थापक भी मिलने आते थे तो दादी को दादी माँ कहते थे, जैसे जगत की माँ तैयार हो गई हो। माना जैसे बाबा ने एक एक ब्रह्मा वत्सों की पालना करी, दादी ने भी बिल्कुल वैसी ही पालना दी। और हमेशा ये ख्याल रखती थी, मैं नहीं दे रही हूँ, बाबा दे रहे हैं। कैसे करूंगी, कैसे होगा, मैंने तो कभी किया ही नहीं है, ये क्वेश्चन दादी ने कभी भी नहीं उठाया। हमेशा कहती थी, बाबा ने भी तो किया ना, जब बाबा कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, इतना निश्चयात्मक बुद्धि बनकर रहती थी। और कोई भी कार्य जब बाबा दादी को सौंपते थे, या कोई कार्य एक दूसरे के आइडिया से ये निकलता था कि ऐसा करेंगे तो ऐसा रहेगा, तो दादी सीधा कहती थी, ये करेंगे क्या होता है, ये शब्द नहीं आना चाहिए, करना ही है। और करना है तो फिर बाद में क्यों, अभी कर लेना है, कल पर भी क्यों छोड़े। तो दादी को रहता था कि हर घड़ी यही अनमोल घड़ी है, इसका अभी ही इस्तेमाल हो जाना चाहिए। तो ऐसी दादी के लिए तो जानकी दादी खुद भी कह रहे हैं, दिल से निकलता था, वाह दादी वाह,
वाह बाबा वाह, और वाह हम सब का भाग्य वाह। और दादी सारी सभा से भी ऐसे वाह वाह के गीत बुलवाती थी। हम सब ने भी दादी जी को आंखों से देखा है, बुद्धि से समझा है और उनके प्यार को दिल से अनुभव किया है। मतलब जी चाहता है कि चलो बाबा समान बनने का लक्ष्य बहुत ऊंचा लगता है। कई कहते हैं हमने बाबा को नहीं देखा तो दादियों को तो देखा ना, दादियों के तो ये अनुभव हम सब सुन ही रहे हैं, तो क्यों ना हम दादी समान ही बन जाए, इतना तो तैयारी करें। दादी जैसे सच्ची थी, उनको सच्ची कुमारी कहते थे, मीठी कुमारी कहते थे, पवित्र कुमारी कहते थे। मतलब दादी जी को कुछ भी भूलना नहीं पड़ता था। भाई ऐसी बात हो गई, अब मैं कैसे भुलाऊं, मुझे बहुत याद आ रहा है, बार बार मेरे को पिन लग रहा है, उसने मुझे ऐसा कहा। नहीं दादी, अभी किसी ने कुछ कहा, थोड़ी देर बाद आप देखोगे दादी भूल गई, उससे ऐसे बात कर रही है जैसे उसने कुछ कहा ही नहीं था। इसको कहते हैं देही अभिमानी अवस्था का कितना संपूर्ण अभ्यास था। दादी जी एक सेकंड में देह सहित सबसे नष्टो मोहा हो जाती, एकदम जैसे ये देह है ही नहीं, न्यारी। हम बाबा के थे, हैं और फिर भी रहेंगे, ये दादी जी का नारा रहता था। आज नहीं बने हैं, जैसे दादी को इस समय भी कल्प पहले की स्मृति एकदम स्पष्ट दिखाई देती थी। और ये निश्चय करने में दादी को बिल्कुल टाइम नहीं लगा। जैसे ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन होता है कि भगवान ने मुझे अपना बनाया है, तो पहली बार नहीं, मैं तो हर कल्प बनती ही आई हूं और फिर बनूंगी। और इसी निश्चय के आधार पर जैसे मातेश्वरी अर्थात मम्मा को निश्चय था, ऐसे ही जब दादी में ये निश्चय देखते थे तो बाबा भी प्यार से दादी को मुन्नी मम्मा कहते थे, माना छोटी मम्मा। उम्र में छोटी थी लेकिन पालना देने में वो माँ थी, इतनी बड़ी दिल, इतनी अच्छी पालना। जैसे सन 1977 में जब दादी लंदन गई थी पहली बार, तो ऐसा सभी को अनुभव हुआ जैसे बाबा ही आ गए, क्योंकि बाप समान वो कर्तव्य, वो विशाल हृदय, वो सरलता, वो बेहद की वृत्ति वो दादी में दिखाई देती थी। जबकि उस समय ज्यादा भाई बहन नहीं थे, लंदन में सेवा केंद्र खुला था तो 70-80 इतने लगभग भाई बहन थे, लेकिन सभी को लगता था कि दादी जी नहीं आए हैं, बाबा आए हैं। और दादी एक एक से जब मुख में टोली खिलाती थी, मीठी दृष्टि देती थी, तो दादी लंदन निवासियों को भी कहती थी आप लंदन निवासी नहीं हो, आप ना भारत निवासी हो, पूर्व जन्म में आप भारत में ही थे, अभी सिर्फ अंतिम जन्म में आपने सेवा के लिए यहाँ पर जन्म लिया है, माना ऑन ड्यूटी आप वहां अपॉइंटेड हो बस, अदरवाइज तो आप सब इंडियंस हो, भारत के हो, भगवान के उस भूमि के हो। और सच में दादी जानकी जी बता रहे हैं कि दादी का स्वयं में भी विश्वास बहुत था, ऐसा देखने को मिलता था कि दादी का खुद पर कभी भी डाउट नहीं हुआ, लंदन जा रही हूँ, भाषा ऐसी है, मैं कैसे सुनाऊंगी, कभी नहीं। कुछ भी बात होती थी, कोई ऐसी अनहोनी बात या कोई ऐसी जो आज तक जिस चीज का एक्सपीरियंस ही ना किया हो, जब ऐसी बात भी कोई होती थी तो भी दादी एक दो से वेरीफाई कराकर कोई भी बात को रिलीज करती थी या बताती थी, लेकिन जिनसे पूछती थी उन पे भी शक नहीं रखती थी, पूर्ण विश्वास से। और दादी ने ऐसा नहीं मैं बोलूंगी ना वही होगा, नहीं, जैसे बाबा सब कुछ करके अपने आप को छुपा लेते थे, ऐसे दादी ने भी अपने सेवा साथियों पर बहुत विश्वास रखा। और विश्वास ही नहीं रखा, उनको भी हर चीज में आगे बढ़ाया। हमेशा दादी का ये नियम था पहले आप, करने के लिए ऐसा नहीं पहले आप, लेकिन किसी भी प्रकार का सम्मान भी अगर देना हो तो दादी अपने से पहले औरों को देती थी। इसी से ही दादी की सच्ची दिल और बड़ी दिल नजर आती थी। कराची में एक ऑफिस था जहां पर मम्मा बैठा करती थी और बाबा के साथ कोई भी वार्तालाप या कोई पत्र लेखन आदि करना हो तो वो किया जाता था। और उस समय नेचुरल है, बाबा ने विश्व सेवा का डायरेक्शन दादी को दे रखा था, तो कोई भी नए नए जैसे चित्र बनते थे, झाड़ का चित्र है,
कल्पवृक्ष का और गोले का चित्र है, यानी सृष्टि चक्र का, ये कोई भी चित्र आदि बनते थे तो बाबा तुरंत दादी को कहने में सहजता रखते थे। कहते थे ये फलानी फलानी यूनिवर्सिटी में कल की तारीख में पहुंच जाने चाहिए। और क्यों इतनी हुज्जत से बाबा बोलते थे? क्योंकि करने वाला बड़ा आज्ञाकारी था, इसलिए बाबा सीधा कहते थे दादी ये चीज यहाँ पर पहुंच जानी चाहिए। और बाबा ने डायरेक्शन दिया तो दादी ऐसे नहीं हाँ ठीक है देख लेंगे कर लेंगे हो जाएगा, ऐसा नहीं कभी भी। बाबा ने कहा मना बाबा के मुख से निकला और दादी ने फौरन उसको अमल में लाया। जो सेवा का जिस समय इशारा मिलता था दादी उसी सेवा को उसी समय उसी प्रकार से बिना मन मत मिलाए तुरंत कर लेती थी। सोचते भी नहीं थे कैसे होगा, बाबा ने तो कह दिया अभी तो ये टाइम हो रहा है। नहीं, अगर बाबा के मुख से निकला है अर्थात उस त्रिकालदर्शी जानी जाननहार ने पहले ही देख लिया है ये हुआ पड़ा। तो जैसे दीदी भी थे उन दिनों तो साथ में, दादा भी, दीदी और विश्व किशोर भाऊ थे और दादी जी खुद भी थी, तो सभी जैसे मिलजुल कर सेवा को तुरंत कर देते थे। और कभी भी हम चाहे मनमोहिनी दीदी जी के जीवन के परिचय में भी सुन रहे थे और अभी दादी जी के विषय में भी हम सुन रहे हैं, कोई भी कार्य में नवीनता लाई विशालता लाई लेकिन अपना नाम नहीं लाया, कभी भी नहीं लाया। उनके मुख से हमेशा क्या निकलता था? बाबा का ऐसा कहना है। भले बाबा साकार रूप में थे या साकार से अव्यक्त हो गए, फिर भी कोई भी कार्य कोई भी डायरेक्शन अगर सारे ब्रह्मावत्सों के सामने रखती भी थी दादी तो हमेशा उनका ये कहना होता था बाबा ने ऐसा कहा है। अच्छा कोई कार्य हो जाता था तो भी दादी बड़ी सहजता से कहती थी देखो वो आपको मालूम है फलाने फलाना कार्य था ना जो हम रात को सोच रहे थे बाबा ने करा भी लिया। बाबा ने थोड़ी ना कराया, लेकिन इतनी निश्चिंतता रखती थी कि ये कार्य मैं नहीं करा सकती, मैं तो निमित्त हूँ, कराने वाला बाबा है। ऐसे बहुत कुछ दादी के कर्मों से देखने को सीखने को और अनुभव करने को मिला। तो जो भी हमारे निमित्त हैं उनकी दुआएं अभी तक भी इस यज्ञ को चला रही हैं। हर ब्रह्मावत्स कई बार मन में ये संकल्प रखता है हमने बाबा को नहीं देखा, हम पुराने समय पर नहीं आए, लेकिन हमारे पूर्वज जो भी जड़ों में बैठे हैं ना इस वृक्ष में वो इस सारे वृक्ष की अभी तक भी पालना कर रहे हैं। और उस पालना के नाते ही आज भी हम भले लेट भी निकल कर आ रहे हैं लेकिन हम इस इतने बड़े स्वर्ग की स्थापना के मददगार साथी बनने का चांस उन्हीं के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं। ये तो दादी जानकी जी के मन के उद्गार थे जो दादी जी ने प्रकाशमणि दादी जी के अंग संग रहकर सीखा। इसी प्रकार दादी हृदय मोहिनी जी जिनको हम गुलजार दादी जी प्यार से कहते हैं, वो भी दादी के विषय में जब बताती हैं कहती हैं कि साकार बाबा इस बात पर बहुत ध्यान देते थे कि मेरा हर एक बच्चा ईश्वरीय महावाक्य जरूर सुने, और सिर्फ सुने नहीं कथा की तरह लेकिन बहुत ध्यान से सुने। यदि मुरली सुनते समय, बाबा के टाइम पर भी ये चीज लॉ था कि अगर मुरली सुनते हुए मान लीजिए किसी को नींद आ रही है या उबासी भी आ रही है ना, सिर्फ एक उबासी भी आती है तो भी बाबा तुरंत कहते थे इस बच्चे को उठाओ। क्यों उठाओ? ये सारे वातावरण में वायुमंडल में नींद के या उबासी के वाइब्रेशन फैला देगा। तो मतलब बाबा मिसाल देते थे बच्चे ये कोई साधारण बूंद भगवान नहीं दे रहे हैं। कहते ना तू प्यार का सागर है तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तो ये बूंद कोई साधारण बूंद नहीं है, ज्ञान सागर जो बूंद दे रहे हैं जैसे सीप में मोती बन जाने वाला बूंद है। वो कहते थे जैसे सीप में जल की एक बूंद गिरते ही वो मोती बन जाती थी, इस प्रकार ये ज्ञान की भी एक पॉइंट भी अगर मिस हो जाएगी सोचिए एक मोती बनने का चांस खत्म हो गया। तो
बाबा और दादी जी भी इस बात पर बहुत गौर फरमाते थे कि आपकी बुद्धि में ये ज्ञान अमृत की बूंदें लगातार पड़नी चाहिए, क्योंकि एक एक बूंद जो है वो ज्ञान मोती का रूप धारण करती जाती है। तो हमारे में इतने मोती बाबा जो डाल रहे हैं, हमें उन मोतियों से भरपूर कर रहे हैं, तो हमारा उन पर कितना एक्यूरेट ध्यान होना चाहिए। बाबा के सामने मुरली सुनने जो भी बच्चे बैठते थे, उनमें से भी बाबा देखते थे कौन बच्चा ऐसे ऐसे कान दिला रहा है, कौन इतना एक्यूरेट सुन रहा है, क्योंकि बाबा की इतनी मधुर शिक्षाएं मिलना कम भाग्य की बात नहीं है। और इतनी मधुर शिक्षाएं सुनकर भी कोई व्यक्ति बिना किसी चेहरे की प्रतिक्रिया किए या ऐसे सिर हिलाए, बस ऐसे मूर्ति बनकर एकदम स्थिर होकर बैठा हो, कोई हाव भाव नहीं, कोई खुशी गम नहीं, कोई चेहरे पर कोई ऐसी स्माइल नहीं, और सिर्फ मुरली सुन रहे हैं, तो बाबा हमेशा कहते थे ये कौन बुद्धू बच्चा बैठा है। क्योंकि किसी को रत्न मिले और वो आश्चर्य ना खाए, वो शुक्रिया दिल से ना गाए, वो पल पल धन्यवाद के गीत दिल से ना निकाले, कोई चेहरे पर प्राप्ति की खुशी की प्रतिक्रिया ना दिखाए, तो बताइए उसको तो जड़ कहा जाएगा ना, उसमें बुद्धि है भी ऐसा डाउट आ जाता है। तो बाबा कहते थे बच्चे ये ज्ञान साधारण ज्ञान नहीं है। हमेशा याद रहे कौन पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, इस पढ़ाई से मैं क्या बनने वाली हूँ, तो वो प्रतिक्रिया दिखनी चाहिए। इतना ध्यान बाबा एक एक के मस्तक पर देते थे, एक एक के बच्चे पर चेहरे पर क्या वो प्रतिक्रियाएं दिख रही हैं। और मान लो किसी बच्चे ने, मान लीजिए कोई गलती कर दी, तो बाबा उसे अलग से बुलाकर व्यक्तिगत रूप से नहीं कहते थे देखो आज तुमने ये गलती करी ना, मुझे पता चल गया है, अब देख लेना ऐसे नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं। बाबा व्यक्तिगत रूप से बुलाकर कभी भी गलती नहीं सुनाते थे। हाँ, जो शिक्षा देनी है बाबा मुरली में ही सुना देते थे, क्योंकि शिक्षाएं सभी के लिए हैं और हम सभी पुरुषार्थी हैं, नया भी है पुराना भी है, कोई महारथी है गलती उससे भी हो सकती है। तो बाबा महारथी बच्चे भी ऐसा ऐसा करते हैं, बाबा के पास रिपोर्ट आती है, आपने ये लाइनें मुरली में कई बार सुनी होंगी, तो जो गलती करने वाला होता था, मुरली तो सुने गई ब्रह्मावत्स है, तो वो जब मुरली सुन रहा होता है ना, तो चाहे वो महारथी हो चाहे वो साधारण हो, वो एकदम समझ जाता है, अच्छा बाबा ना मेरे लिए मुरली चला रहे हैं, ये बात मुरली में मेरे लिए आई है। भले मुरली के बाद बाबा के कमरे में सभी बच्चे मिलने जाते थे, कुछ अनन्य बच्चे भी जाते थे जिसको कहते थे चैम्बर में मिलने जाना, मतलब आपस में कोई पर्सनल मीटिंग लेन देन हो, तो जब वहां जाते थे तो बाबा की गद्दी होती थी और बाबा ऐसे विष्णु शेष शैया पर लेटे होते ना, एक हाथ रखकर सिर के नीचे बाबा ऐसे लेटे होते थे, और हम सभी बच्चे जैसे आसपास बैठे हैं, दादी दीदी भाऊ सब बैठे होते थे। तो मुरली में जिस बच्चे के लिए बात आती थी और जिसको पता है ये आज मुरली मेरे लिए चली है, तो उसको अंदर से थोड़ा दुख दुख होता था, शायद अब तो बाबा पक्का मुझे बोलेंगे। लेकिन बाबा कभी किसी को ऐसी शिक्षा अलग से पॉइंट आउट करके नहीं देते थे कि चलो अब मैं तुम्हें डांट सकता हूँ, नहीं तो बाबा को लगता था मैंने जो कहना है मैंने मुरली में कह दिया और बहुत अच्छे से कह दिया। और बाबा के कोई बहुत करीब भी चला जाए ना, बाबा फिर भी उससे बहुत प्यार करते थे, पता है उसकी गलती हुई है, लेकिन फिर भी बाबा का प्यार, बाबा की पालना बिल्कुल निस्वार्थ भाव की होती थी। तो मुरली के बाद भी उस बात को बाबा कभी दोहराते नहीं थे, भले मालूम है इसकी गलती है, लेकिन उस दृष्टिकोण से कभी उसको देखते भी नहीं थे कि ये गलती तुम्हारी थी, मुरली तो मैं सुना रहा था, समझा तुमने, ऐसे बाबा ने कभी नहीं कहा। और ये नहीं कि ऐसे बाबा ने नहीं कहा, दादी जी के जीवन में भी यही स्वभाव था, बाबा और ही हंसा बहलाकर जैसे उस बात को भुला देते थे और भविष्य के लिए सावधान रहने की प्रेरणा देते थे, ऐसी दादी जी का निर्मल स्वभाव था, ऐसी निर्मल वाणी थी, ऐसा स्वभाव जिसके आधार पर कोई भी व्यक्ति अपना दिल खोल दे दादी के सामने। मैं बाबा की बात क्यों सुना रही, क्योंकि दादी भी उसी स्वभाव से
मेल खाती थी। तो इसी प्रकार दादी जी का जो जीवन था वो कैसे छोटों के ऊपर भी प्रभाव डालता था और बाबा की कमी को भरपूर कर देता था, ऐसे और भी जो नियमित रूप से यज्ञ के बड़े भाई हैं उन्होंने भी दादी जी के साथ और क्या पर्सनल अनुभव रहे वो हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम शांति।